sometimes comes up confident. हेलो हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। आप सबका क्या हाल है जनाब? आज मैं आप सबको एक न्यू वीडियो में कहाँ लेके जा रही हूँ और क्या दिखाऊंगी मेरी वीडियो में, आइए और देखिए। और जिस जिसने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो कुछ नहीं किया, जल्दी से जाइए मुझे सब्सक्राइब करके मेरे इस वीडियो के साथ जनाब बने रहिए, क्योंकि आज मैं आई हूँ आपको एक डिफरेंट एक्सपीरियंस दिखाने, जो कि हमारा तो सेकंड टाइम है, क्योंकि बच्चों के साथ ये इस तरह के एक्सपीरियंसेस होते रहते हैं। तो मैंने सोचा ये वाली बात भी आप सबके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के बच्चे जो है ना वो अपने हाइजीन का ख्याल बिल्कुल नहीं रखते हैं। जो मैं बात करने वाली हूँ वो आप सबके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, हो सकता है कि आपके बच्चे भी इसी तरह करते हों जैसे कि मेरे बच्चे। तो मैं स्टोरी स्टार्ट करती हूँ यहाँ से कि हुआ क्या था। आप सबको पता है कि आप सबके जो भी बच्चे बात जो है ना वो बहुत मुश्किल से सुनते हैं, और ब्रशिंग करने के जो हैबिट होती है ना बच्चों में वो बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन क्योंकि आपको पता है आजकल के बच्चे बस अपनी मनमानी करते हैं, और मॉर्निंग और इवनिंग में जब भी वो अपने बेड पे जाते हैं उससे पहले ब्रश करना कितना ज़रूरी है वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊँगी। क्योंकि अगर आप भी मेरी तरह हैं थोड़े से लेज़ी, क्योंकि बच्चों की बात सुनते रहेंगे तो आपके साथ भी इसी तरह होने वाला है, जो कि मेरे साथ हुआ। फर्स्ट टाइम नहीं, सेकंड टाइम हुआ। और क्योंकि बहुत बहुत मुश्किल हो जाती है बच्चों को हैंडल करना जब बच्चे बहुत तंग कर रहे हो, तो इसलिए मैं छोड़ देती थी कि टीथ ब्रश करना चलो कोई बात नहीं, कल कर लेंगे या नेक्स्ट डे कर लेंगे। लेकिन ऐसा हुआ कि हम 3 मंथ्स बैक जो है वो अली मोहद्दस की टीथ में पेन हुआ था, और हम लोगों ने टीथ क्लीनिंग करवाई थी। और उसके बाद जनाब ब्रश का आपको पता है कि सिलसिला किसी तरह कभी पूरा नहीं होता, तो ब्रशिंग करने का जो सिलसिला है वो थोड़ा बहुत उसमें डिले हो गया, और ब्रश जो है वो इन लोगों ने प्रॉपर नहीं किया था दोनों ने, आयत ने और अली ने, तो कभी वन डे बाद और इस तरह करके ना ब्रश हो रहा था टीथ ब्रश। लेकिन उसके बाद जो है वो कैविटीज़, आपको पता है बच्चे कितने ज़्यादा चॉकलेट्स खाते हैं और मिल्क पीते हैं, जिसकी वजह से बच्चों के कैविटीज़ बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसी तरह बढ़ता गया, और एक दिन ना इतना सख्त पेन हुआ अली के टीथ में कि बस बर्दाश्त से बाहर मैंने पेन किलर भी दिया, फिर भी उसका जो पेन था ना वो नहीं गया। बहुत ही मुश्किल से वो पेन जो है वो थमा, और उसके बाद हम जनाब सीधा अपॉइंट मिली डॉक्टर से। डेंटिस्ट ने अपॉइंटमेंट फ़ौरन दे दी थी, हम लोग नेक्स्ट डे ही चले गए थे, और नेक्स्ट डे हम लोगों ने यही प्लान किया था कि मैं भी अपने टीथ क्लीनिंग करवाऊंगी साथ पॉलिशिंग, और हस्बैंड और बच्चे, मतलब पूरा घर हम लोगों ने सोचा कि अगर किसी की टीथ नहीं भी गंदे ना तो आपको एवरी 3 मंथ्स में अपने टीथ की टेक केयर करना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि एज के साथ साथ आपकी टीथ को भी केयर की ज़रूरत पड़ती है। वैसे तो आफ्टर 20 आपको, वैसे तो शुरू से ही आप बच्चों को ये हैबिट डालें, लेकिन आफ्टर 20 आपको क्लीनिंग की जो प्रॉपर क्लीनिंग होती है वो डेंटिस्ट ही कर सकता है, तो वो आपको करवानी चाहिए। Mohdis, Ali Mohdis. 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 Vibrate, just vibrate. Yes. Hello, I'm also water making. We'll suck it. Same like before. Yes, honey. Yeah. That's me. I'm going to talk to the doctor. I'm going to talk to the doctor. I'm going to talk to the doctor. I'm going to talk to the doctor.
मजा आया आयत को? आयत को मजा आ रहा है? सर्दी नहीं लग रही? It's going to finish it, okay? After that it will be wow, okay? Wow, you will get it.
की दिखाओ, हो गया की तरह की ये भी दो दिन की जल्द चली जाती है इसमें, पर हो गया काफी क्लीन है ना, पॉलिशिंग करती है, इंजेक्शन करेंगे पॉलिशिंग। नेल्स दिखाओ, नेल्स नेल दिखाओ भाई। सुनिए ठीक, सुनिए ठीक, सुनिए ठीक। ई सी ई मम्मी ब्रश करना है, ओके ब्रश नहीं करेंगे तो फिर खराब हो जाएगा वापस। कितने ब्रश लाके दिए तुमने, अभी भी पड़ा हुआ है मेरे वॉशरूम में। यहाँ से हमने बहुत सारे सबक सीखे, जिसमें से एक सबक जनाब मैं हर दफ़ा सीखती हूँ और बच्चों को भी सिखाने की पूरी कोशिश करती हूँ कि हमेशा जनाब बच्चों की बात नहीं सुननी चाहिए, ख़ुद भी अपनी बात को मनवाना सीखिए, क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं, इसलिए उनकी बात नहीं अपनी बात मनवाना सीखिए। और इनको ब्रशिंग की आदत बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये हैबिट होना बच्चों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और डेली डेली आपको डे एंड नाइट में ब्रशिंग करनी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके बगैर गुजारा भी नहीं है। तो जनाब अली का जो था ना सेशन, वो पोस्टपोन हो गया, क्योंकि जब डॉक्टर ने अली के टीथ क्लीनिंग के लिए चेक किया तो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन ज़्यादा हो चुकी थी, जिसकी वजह से पेन भी ज़्यादा हो रहा था। तो फिर उन्होंने एंटीबायोटिक दे दी थी, और आफ्टर 3 डेज़ जो है अली का दोबारा से फॉलो अप है, और उसके बाद वो देखेंगे कि इसकी टीथ की क्या जो है वो कंडीशन है, उसके बाद ही जनाब ये सब हो पाएगा। लेकिन आयत की टीथ माशाल्लाह से, उन्होंने बोला कि आप टाइम पर आ गए हैं, क्योंकि आयत अली से छोटी है, तो जनाब आपको पता है कि हम जल्दी पहुंच गए, लेकिन अली के लिए थोड़ी सी लेट हो गया था, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा डीप जा चुका था इन्फेक्शन, जिसकी वजह से पेन भी हो रहा था। तो हम आफ्टर 3 डेज़ जाएंगे दोबारा से, और फिर से करेंगे फॉलो अप, और आप सबको मैं दिखाऊंगी कि क्या बताया डॉक्टर ने, क्या कहा। तो जनाब यहाँ हो चुका है मेरा भी सेशन फ्री, और उसके बाद हम आ चुके थे हमारे मोस्ट फेवरेट, और यहाँ हमने खाया अपना फेवरेट खाना, जो कि है रोल पराठाज, और इनके जो क्रिस्पी पराठा है ना, उसकी तो मैं फ़ैन हो गई हूँ। अगर आप हैं दुबई में या शारजा में, तो आपने ज़रूर ट्राई करना है ये, और मुझे ज़रूर आपने टैग करना है कि पाकिस्तानी मोमेंट दुबई ने हमें यहाँ बुलाया था। तो ये जनाब हम लोगों ने डिनर इन्जॉय किया, और फिर हम गए घर और जाके सो गए आराम से। टीथ क्लीनिंग बच्चों के लिए तो कुछ चीज़ें अवॉइड नहीं थी, लेकिन टी और कॉफ़ी हमने अवॉइड करना था, तो वो तो वैसे भी मैं बहुत कम लेती हूँ, और फिर मैंने वो अवॉइड किया। लेकिन खाना खूब सारा खाया, एंजॉय किया। मुझे रखिए अपनी दुआ में याद, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, खुदा हाफिज़।